दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, और जो भी साथी टीजीटी पीजीटी के इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, अभी भी बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर बम्पर कोर्स चल रहा है ना। जिनको भी एडमिशन लेना है अभी मात्र 1200 में ले सकते हैं, ऑफर आया है, नवरात्रि ऑफर है, ठीक है। जिनको भी एडमिशन लेना है मात्र 1200 रुपये में टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का, ठीक है। और दोस्तों अपनी तैयारी में लग जाना है, ठीक है, और यहाँ पर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और जिनको भी दोस्तों नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, चाहे वो दोस्तों एमपी टेट वाले साथी हों, है ना, और चाहे दोस्तों टीजीटी पीजीटी के वीएस एनवीएस वाले साथी हों, ये 3000 एमसीक्यू की बुक है, ये 3000 एमसीक्यू की बुक है, ये चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, मात्र 599 में ये अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। हिंदी की बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। और ये दोस्तों आप लोगों के लिए ये गद्य और पद्य साहित्य का जो विस्तृत वाला अध्ययन है वो आपको यहाँ पर इस इन वाले नोट्स में मिलेंगे, गद्य और ये पद्य साहित्य, ये दो नोट्स हैं, है ना, दोनों सेट आपके लिए, दो जो सेट है वो मिलेगा दोस्तों मात्र 1600 रुपए में, ठीक है। अब जिनको भी मंगवाना है नीचे नंबर चल रहा है, वो नंबर पर संपर्क करेंगे दोस्तों, ठीक है। नोट्स जिनको मंगवाना है वो नंबर पर संपर्क करेंगे पहले, ठीक है, और वो मंगवा सकते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है बताइए, एफ ई के हैं या फिर मैकमूलर हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, कौन हैं, चयन करना है। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बम्पर क्वेश्चन है। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन माने जाते हैं, एक बार लाइक जरूर कर देना, लाइक कर देना दोस्तों, तो आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसमें उत्तर हो जाएगा एफ ई के, यानी कि आपका जो ए नंबर है एफ ई के वो बिल्कुल सही आंसर है, एफ ई के ए नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, कृष्ण गीतावली बताइए, दो नंबर का क्वेश्चन है। कृष्ण गीतावली सभी को पता है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है बताइए, सभी लोग बताइए, ऋतु जी, हेमंत जी, पार्वती कुमारी जी, कृष्ण गीतावली ये किसकी रचना है, शानदार क्वेश्चन, दो नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर जा रहा कि सर यहां पर हो जाएगा तुलसीदास, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तुलसीदास की, ठीक है। तीन नंबर बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। पतिता की साधना, पतिता की साधना ये रचना बताना है, भगवती प्रसाद वाजपेयी, निराला प्रेमचंद या फिर प्रसाद, पतिता की साधना, यानी कि तीन नंबर का क्वेश्चन है, पतिता की साधना, पतिता की साधना बताना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। और पतिता की साधना लाइक करो जल्दी से, शेयर कर दो, इसके रचनाकार कौन है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर पतिता की साधना की बात करोगे तब आपका उत्तर है भगवती प्रसाद वाजपेयी, यानी कि आपका जो ए नंबर है भगवती प्रसाद वाजपेयी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पतिता की साधना, बोले सर पति की साधना हमने करना प्रारंभ किया कब से, जब से भगवती का प्रसाद लिया है, ये नंबर शानदार क्वेश्चन है। मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है, मंगलसूत्र बताना है जल्दी से बताइए, मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है, शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मंगलसूत्र प्रेमचंद, कौशिक, भीष्म सायन या फिर गोविंद मिश्र, मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है, चार नंबर का क्वेश्चन है, चार नंबर के क्वेश्चन में मंगलसूत्र पूछा गया, उत्तर चला गया कि सर ये जो है वो प्रेमचंद का है, प्रेमचंद का है मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास, प्रेमचंद जी का, ये नंबर आपका शानदार क्वेश्चन चला गया, ठीक है, मंगलसूत्र अधूरा रह गया प्रेम में। अगला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की और कब की ये भी बता दो, ध्रुव स्वामी का रचना काल भी आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे ध्रुव स्वामी नाटक का रचना काल क्या है, रचना काल चयन कर लीजिए जल्दी से, ध्रुव स्वामी नाटक का रचना काल क्या है ये भी बताइए, और ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है ये भी बताइए। सभी का आंसर है कि सर प्रसाद जी का अंतिम नाटक माना जाता है, कौन सा, ध्रुव स्वामी, रचना काल भी बता दो क्या है रचना काल,
जल्दी से बताइए, चयन करिए फटाक से। ध्रुव सामनी का रचना काल बताना है और सभी का आंसर आ रहा है। ध्रुव सामनी का रचना काल बताइए। ध्रुव सामनी का पूछा है तो 1933, बहुत बढ़िया 1933, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला है कैदी की पत्नी कृति के रचनाकार। ध्रुव सामनी 1933 का ये नाटक है, किसका? जयशंकर प्रसाद का, कैदी की पत्नी। ये कृति किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है, रामवृक्ष बैनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु जी। कैदी की पत्नी, प्रमोद जी, कंचन जी, सभी लोग बताइए और एक बार लाइक करिए। कैदी की पत्नी, 6 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर में बताना है। कैदी की पत्नी, और सभी को पता कि सर कैदी की जो पत्नी है वो वृक्ष पर बैठकर क्या कर रही है? रो रही है। वृक्ष पर बैठकर रो रही कैदी की पत्नी, वृक्ष है, यानी कि राम वृक्ष बैनीपुरी, बी नंबर राम वृक्ष बैनीपुरी आपका बिल्कुल सही है। स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, भारतेंदु या फिर प्रेमघन। स्वर्ग की विचार सभा इस निबंध के लेखक कौन है बताइए। मोहित जी, प्रवीण जी, संगीत जी, सभी लोग बताइए स्वर्ग की विचार सभा इस निबंध कृति के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी है, श्रीनिवास दास है, भारतेंदु है या फिर प्रेमघन है। तो स्वर्ग की विचार सभा कहां पर लगती है? स्वर्ग की विचार सभा तो भारत में लगती है, भारत में लिखती है भारत, तो भारत से हो जाएगा भारतेंदु, भारत में लगती स्वर्ग की विचार सभा। देखना है क्या आप लोगों को? कोठरी की बात, कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए? कोठरी की बात, दीप्ति, शिल्पा जी, कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए? इस कहानी के लेखक कौन है 8 नंबर में? कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है 8 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक कर दो जल्दी से, लाइक कर दो फटाक से। कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए? अज्ञे, अज्ञे रहनी चाहिए, अज्ञे, यानी कि आपका जो ए नंबर है अज्ञे आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे की दीवार के दोनों ओर अज्ञे, सत्यदेव परिव्राजा, केशपाल, राहुल सांकृत्यायन। लोहे की दीवार के दोनों ओर विजयकांत जी, सरोज जी, गीता जी, 9 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। और लोहे की दीवार के दोनों ओर कौन खड़े हैं? लोहे की दीवार के दोनों ओर खड़े हैं कौन? बोले सर यशपाल खड़े, यशपाल। तो यशपाल से आपका 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यशपाल आपका राइट आंसर है। लोहे की दीवार के दोनों ओर खड़े यशपाल, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बादल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? लाइक कर दो जल्दी से। सुनीत जी, अनीता जी, बादल का पर्यायवाची अभ्र, जीभूत, वारिद या फिर मरकट। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बादल का शानदार क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अभ्र तो है, अभ्र है ना, जीभूत भी बादल का पर्यायवाची है, वारिद भी पर्यायवाची है बादल का, लेकिन आपका उत्तर है कि सर मरकट नहीं है, मरकट नहीं है, डी नंबर सही है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है मरकट, ठीक है। परुष का विलोम क्या हो जाएगा? परुष का विलोम बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वल, शक्ति, कोमल या फिर इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, परुष का विलोम शब्द कौन सा है? परुष का विलोम बताना है। 11 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परुष का विलोम बताना है, और परुष का विलोम देखते हैं क्या उत्तर जा रहा है आप लोगों का। परुष का विलोम जल्दी से चयन करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। परुष का विलोम बताइए, परुष का विलोम शब्द क्या है? 11 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कोमल, कोमल यानी कि सी नंबर आपका सही है। परुष का विलोम क्या होता है? कोमल, वेरी गुड। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास भाव की, समर्पण भाव की, माधुर्य या फिर साख भाव की? तुलसीदास की भक्ति बताइए। विजय जी, संगीता जी, सुनैना जी, तेज प्रकाश जी, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है?
12 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया और 12 का उत्तर जा रहा है कि सर तुलसीदास की भक्ति पूछी है, तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है किस भाव की, किस भाव की, दास से भाव की, दास से, यानी कि आपका जो ए नंबर है दास भाव की बिल्कुल सही है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है, विद्यापति की पदावली पहाड़ी, मैथिली अवधि या फिर पिंगल, चयन करिए जल्दी से। विद्यापति की पदावली किस भाषा में है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 मीरा का चक्कर बताना है, विद्यापति की पदावली बताना है। और सभी को पता है कि सर विद्यापति की रचना है पद लता पताका, पदावली कीर्ति लता कीर्ति पताका, ये जो पदावली है ये मैथिली भाषा में है, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है, किस श्रेणी की कविता है राम की शक्ति पूजा, 14 नंबर का क्वेश्चन है। राम की शक्ति पूजा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा बताना, इतना अच्छा क्वेश्चन। सभी का आंसर जा रहा है कि सर राम की शक्ति पूजा 14 नंबर का उत्तर, और उत्तर है लंबी कविता, लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, ठीक है, एक लंबी कविता मानी जाती है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आता है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदरदास, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएं 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर बताना, स्मृति की रेखाएं, चयन करिए, बताइए यहां पर स्मृति की रेखाएं बहुत ही शानदार। और 16 नंबर में स्मृति की रेखाएं उत्तर जाएगा महादेवी वर्मा, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा आपका राइट आंसर हो जाता है। रंगदे वसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है, रंगदे वसंती चोला नाटक बताना है, सुरेंद्र वर्मा है, मोहन राकेश है, भीष्म सायनी या फिर विनोद रस्तोगी, प्रियंका जी, कंचन जी, रंगदे वसंती चोला, रंगदे वसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है। 17 का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, राजेश, रोहिणी, आकांक्षा जी, ज्योति जी, है ना, जया जी, रंगदे वसंती चोला। और 17 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन जा रहा है कि सर ये जो रचना है रंगदे बसंती चोला, चोला रंगदे कैसा, भीष्म चोला, भीष्म है ना, तो भीष्म यानी कि सी नंबर भीष्म सायनी सही है। कबीर बाज भी, कपूत भी और पपीहा भी, बताओ कबीर बाज भी, कपूत भी, पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन है 18 नंबर में। प्रतिमा जी, कबीर बाज भी, पपीहा भी और दोस्तों कपूत भी, पपीहा भी, आस्था जी बताइए, सुंदर सा क्वेश्चन है 18 नंबर का। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना हमारे सभी साथी, कबीर बाज भी, कपूत भी, पपीहा भी, इसके रचनाकार बताना है 18 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी का आंसर जा रहा है कि सर 18 का उत्तर है और 18 में है धर्मवीर हैं, है ना, डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर है ये, कबीर बाज भी, कपूत भी और पपीहा भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनुज्ञा शब्द का समानार्थक शब्द क्या है, अनुज्ञा, अनुज्ञा का समानार्थक यानी कि पर्यायवाची बताना है, बताओ जल्दी से बताइए। 19 नंबर का क्वेश्चन, अनुज्ञा शब्द का समानार्थक शब्द क्या है, 19 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। और अनुज्ञा बताओ समानार्थी, और सभी का आंसर जा रहा है कि सर अनुज्ञा का समानार्थी, अवज्ञा, अनुज्ञा का अवज्ञा होगा क्या, बहुत बढ़िया, अनुज्ञा का समानार्थी होता है दोस्तों अनुमति, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही है, अनुज्ञा का समानार्थी होता है अनुमति, अनुमति,
ठीक है। अगला देख लो, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? भाषा का जादूगर सरदार पूर्ण सिंह, शिव पूजन सहाय। भाषा का जादूगर बताना है, विजय शंकर जी बताइए, सुमन जी, सुनैना जी, भाषा का जादूगर। और 20 नंबर का सभी लोग बिल्कुल सही आंसर लगा रहे कि सर भाषा का जादूगर कहा जाता है शिव पूजन सहाय को, है ना। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर, भाषा का जादूगर कहा जाता है शिव पूजन सहाय को, कलम का जादूगर बताना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा की विधा 21 नंबर में, लाल तारा की विधा बताइए तनु जी, शांति वर्मा, रीमा जी, शालिनी जी, दीक्षा जी, लाल तारा की विधा, ज्योति मौर्य जी, स्टेटस जया नितवाल जी, लाल तारा रेखा चित्र है, संस्मरण है, जर्नल है, या फिर यात्रा वृत्तांत है, लाल तारा क्या है? 21 नंबर के क्वेश्चन में बताना लाल तारा। कलम का जादूगर प्रेमचंद को कहा जाता है, देखो प्रेमचंद लगा रहा है, बहुत बढ़िया। कलम का जादूगर प्रेमचंद को कहा जाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगा दो प्रेमचंद, बहुत बढ़िया। राइट आंसर है कि सर लाल तारा जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है, और आपसे पूछा था कलम, कलम का जादूगर, और कलम कैसे बनती है? बोले सर वृक्ष से बनती है, वृक्ष से, है ना। कलम ये वाली जो कलम होती है, ये सीस पेंसिल वाली, है ना, वृक्ष के वो होती ना उसमें, ठीक है, याद कर लेना। तो कलम का जादूगर, बोले कलम बनती वृक्ष से, तो राम वृक्ष बेनीपुरी कलम का जादूगर, ठीक है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र 22 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया, लाइक कर दो जल्दी से एक बार, ठीक है। घुमक्कड़ शास्त्र, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यान, यशपाल, या फिर अज्ञे। इन्हीं सरल प्रश्नों में तो आप अटक जाते हो, और जब कठिन प्रश्न आते हैं तो पसीना आने लगता है सिर से। कल जैसे परसों कथन पढ़ाए थे आपको, आधे लोग तो क्लास छोड़ के भाग गए थे, है ना। तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक 22 नंबर का क्वेश्चन है, और 22 नंबर के आंसर हो जाएगा बी नंबर, राहुल सांकृत्यायन। जुबान पर लगाम ना होना, जुबान पर लगाम ना होना, जल्दी से बताइए। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य का विस्तृत वाले नोट्स मंगवाना है अपने घर पर, है ना, वो मंगवा सकते हैं। जिनको 3000 MCQ की दोस्तों ए बुक मंगवाना है, वो 3000 MCQ की बुक भी मंगवा सकते हैं घर पे, ठीक है। जुबान पर लगाम ना होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए, तो सभी को पता है ना, आवश्यक रूप से बोलना, ठीक है। दर्जी की सुई कभी ताश में और कभी टाट में, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दर्जी की सुई कभी ताश में, कभी टाट में, कभी टाट में, ये बताइए इसका अर्थ क्या है? विमल सरोज जी बताइए, बिंदु कुमारी जी, दर्जी की सुई कभी ताश में और कभी टाट में। 24 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, कोई दोष ना होना, खाली ना होना, जल्दी से बताइए। कबाड़ी का काम करना, बेकार होना, 24 नंबर का शानदार क्वेश्चन है कि दर्जी की सुई कभी ताश में और कभी टाट में, यानी कि 24 का उत्तर है खाली ना होना, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर खाली ना होना आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कब्बे और काला पानी, इसके कहानीकार कौन है? कब्बे और काला पानी, दीप्ति जी, वीनू, अनीता जी, कब्बे और काला पानी, कब्बे और काला पानी बताइए, कब्बे को काला पानी कैसा लगता है? बोले सर कब्बे को काला पानी बड़ा निर्मल निर्मल लगता है, कैसा लगता है? कब्बे को काला पानी, कब्बे को काला पानी निर्मल निर्मल लगता है, निर्मल,
तो निर्मल से होता है निर्मल वर्मा, डी नंबर है ना, कब्बे को काला पानी निर्मल निर्मल लगता है, वेरी गुड। सरकटी लास उपन्यास के रचनाकार कौन है? सरकटी लास। हेमंत जी बताइए, नगेंद्र जी, जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है अभी आप मात्र 1200 रुपए में एडमिशन ले सकते हो, मात्र 1200 में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सरकटी लास उपन्यास के लेखक कौन है? बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। सरकटी लास बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन है, 26 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर ये जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं गोपाल राम गहमरी, इन्होंने, इनका उपन्यास माना जाता है सरकटी लास, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छा बोलता हो, सुभाषणीय, सुभाषी, सुभक्ता, मितभाषी। 27 का शानदार क्वेश्चन, जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो बताइए, 27 का उत्तर। कुछ लोग लगा रहे हैं डी, कुछ लोग लगा रहे हैं बी, लेकिन आपका उत्तर है कि सर जो अच्छा बोलता है वो कहलाता है सुवक्ता, सुवक्ता यानी सी नंबर सही है, वेरी गुड। शब्द शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी। कुमुदनी, कुमुदुनी बताइए, कुमुदिनी या फिर कुमदुनी। 28 नंबर में शुद्ध वर्तनी का चयन करवाए आप लोगों से, सभी लोग बताइए जल्दी से। और बहुत सारे आंसर लगा रहे हैं सरोज जी कि सर शुद्ध वर्तनी का चयन करवा रहे, तो कुमुदिनी आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीमा, नीमा किस कवि की माता का नाम था? 29 में रहीमदास की, सूरदास की, कबीरदास की, मलुकदास की। नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीमा बताना है। आकाश जी, मोहित जी, राधा जी, कमलाकांत जी, 29 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर नीमा जो था वो कबीरदास की माता का नाम था, सी नंबर आपका बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। 1398 में इनका जन्म हुआ था, कबीरदास नीमा। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? 30 में गंग कवि राखी जी, गंग कवि का जन्म स्थान बताइए, आगरा, प्रयाग, इटावा या फिर गंगापुर नगर। गंग कवि का, गंग कवि का बताना है राखी जी, कमलाकांत जी, कंचन जी। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दो दोस्तों, शेयर कर दो। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है नोट्स मंगवा सकते हो, संपर्क करना है नोट्स मंगवाने के लिए, है ना, ऐप पर नहीं जाना है, संपर्क करना है नोट्स मंगवाने के लिए, आप हमसे संपर्क करेंगे, ठीक है। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर इटावा, सी नंबर इटावा, बहुत बढ़िया आंसर है। हिंदी प्रदीप के SSB संपादक का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप के SSB संपादक राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर लाला भगवान दीन। हिंदी प्रदीप की SSB संपादक, संपादक का नाम बताइए, 31 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और 31 नंबर में उत्तर जा रहा है कि सर हिंदी प्रदीप, और हिंदी प्रदीप में प्रदीप के बाल भट्टासे बरत गए, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट, आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? 32 नंबर में सीमा जी, विजय जी बताइए, पूनम जी, न्यू अकेडमी जी, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक बताना है, 32 नंबर का क्वेश्चन है, 32 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक बताना है, प्रतीक धर्मी, और सभी का आंसर है कि सर प्रतीक धर्मी नाटक पूछा है, यानी कि वो नाटक हो जाएगा कौन सा नाटक? कामना नाटक। ये हिंदी का दोस्तों पहला प्रतीक धर्मी नाटक माना जाता है, प्रतीक धर्मी। और कामना नाटक किसका है?
जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद बहुत बढ़िया, ये नंबर शानदार क्वेश्चन है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जितेंद्रिय, इंद्रजीत, योगी या फिर ऋषि। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, 33 का शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चयन करिए, राजीव कमलाकांत जी, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय, इंद्रजीत, योगी, ऋषि। 33 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर है जितेंद्रिय, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही है जितेंद्रिय, बहुत बढ़िया आंसर। क्षण बोले कण मुस्काए, इसकी रचना बताना है, इसकी रचनाकार कौन है? सुनीत जी लाइक कर दो जल्दी से दोस्तों, सभी साथी लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, है ना। इसके पहले एक कथन का वीडियो आया था, वो कथन वाला वीडियो भी सभी साथी देख लेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन लेकर के आए थे हम। क्षण बोले कण मुस्काए, इसके रचनाकार कौन है? क्षण बोले कण मुस्काए, धर्मवीर भारती हैं, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, कौन माने जाते हैं? और प्रोफेसर क्षण बोले और कण कण मुस्काए, है ना। कौन? प्रोफेसर कन्हैया जी अगर एक बार दर्शन दे दे तो क्षण क्षण बोल उठेगा और कण कण मुस्का जाएगा, है ना। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? थोड़ा शब्द क्या है? राखी जी, थोड़ा शब्द क्या है? गणेश जी, दीक्षा जी, थोड़ा पानी दीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आर्यन जी, बिंदु जी, जिज्ञासा सिंह जी, चयन करिए और राइट आंसर बताना है। थोड़ा पानी दीजिए, इसमें थोड़ा शब्द क्या है? 35 नंबर का क्वेश्चन है, संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है। और 35 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर ये जो है ये विशेषण है। थोड़ा क्या है? थोड़ा, थोड़ा विशेषण है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? किस एकांकीकार की रचना है? 36 में प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई बताना है, धर्मवीर भारती की है, विष्णु प्रभाकर, बेचैन शर्मा उग्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। प्रकाश और परछाई बताना है, बहुत ही 36 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश और परछाई। चयन करिए और 36 में सभी लोगों का बहुत ही सुंदर आंसर आ रहा है कि सर ये प्रकाश और परछाई। आप किसके प्रकाश और परछाई में रह रहे हो? तब आंसर होगा विष्णु प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर, विष्णु के प्रकाश और परछाई में रह रहे हैं। बी नंबर आपका सही है, विष्णु प्रभाकर। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट, 37 में सुनीत जी, रीना जी, प्रतिमा जी। चौपट चपेट, चौपट चपेट, चौपट चपेट नाटक 37 नंबर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताना है। और चौपट चपेट बताइए, तनु जी, संध्या जी, चौपट चपेट ये जो नाटक है, इस नाटक के रचनाकार कौन है? चयन कर लो एक बार और लाइक जरूर कर दो जल्दी से। चौपट चपेट, भारतेंदु, नाथुराम शर्मा, प्रेमघन, और सभी का आंसर चला गया कि सर चौपट चपेट। किशोरी ने सब चौपट कर दिया, किसने? किशोरी, किशोरियों ने कर दिया, बोले सर किशोरी ने, है ना। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका? आकाश गंगा। 38 में बताइए के 002 जी, बताइए मुनीष जी, मधुर जी, उमेश जी, आकाश गंगा काव्य संग्रह, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? 38 नंबर में बाल कृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा का, राम कुमार वर्मा या फिर उदय शंकर भट्ट। और बहुत सारे लोगों ने, है ना, ट्रिक में लगाई थोड़ी सी, लेकिन उत्तर चला गया कि सर आकाश गंगा। आकाश गंगा किसका? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह आकाश गंगा, आकाश गंगा में राम कुमार वर्मा, ठीक है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? मधुर जी, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक, शिलेश, अनुप्रास, बताइए। सीमा शुक्ला जी, बिल्कुल आप भी हो, देख लिया है मैंने। रेखा जी, बबीता जी, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? शानदार क्वेश्चन, सभी का उत्तर है कि सर वहां होता है अनुप्रास अलंकार।
अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है बताइए, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं बताओ, जल्दी से बताइए अनुप्रास अलंकार के बारे में। और या लकुटिया रु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजिडारो, ये पंक्ति बताना है, इसमें कौन सा छंद है, कवित्य, सबैया, बरबे या फिर दोहा, 40 नंबर के क्वेश्चन में बताओ क्या है। या लकुटिया रु कामरिया, सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, और इस ऐप को सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। और या लकुटिया रु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजडारो, यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन है और ये माना जाता है सबैया, क्या है ये, सबैया है। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के, ठीक है, बहुत बढ़िया। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी बताना है, ये दोस्तों आधारित है, बताओ किस पर आधारित है, चीड़ों पर चांदनी, अपन ने पढ़ा था कि सर चीड़ों पर चांदनी कैसी लगती है, निर्मल निर्मल लगती है, अब निर्मल लगती है तो बताओ क्या, बताओ किस पर आधारित है, शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास या फिर एशिया प्रवास, ठीक है। सभी लोग मात्र 1200 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं सभी साथी, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी यानी कि 41 नंबर का क्वेश्चन है और ये किस पर आधारित है, ये है यूरोप प्रवास पर आधारित है, सी नंबर शानदार क्वेश्चन, यूरोप प्रवास पर। ठलुआ क्लब किसकी रचना है, ठलुआ क्लब गुलाब राय की, वियोगी हरि, पदम से शर्मा, हरिशंकर परसाई, ठलुआ क्लब ये किसकी रचना है, तनु जी, अभिषेक जी, जिज्ञासा जी, आरती जी, बताइए, विश्वास मलिक जी, 42 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सुपर क्वेश्चन है, राइट आंसर जा रहा है ठलुआ क्लब, और ठलुआ क्लब ये किसकी रचना है, और आपको पता है कि सर ठलुआ क्लब में गुलाब, गुलाब लेके जाना है, गुलाब राय, ये नंबर बहुत ही बढ़िया आंसर चला गया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसकी पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन बन जाओ और हम पानी बन जाते हैं, ये पंक्ति बताना है संत दादू दयाल की, रैदास, संत पीपा या फिर संत पलटू दास की, तुम चंदन हम पानी। वंदना जी, प्रतिमा यादव जी, अनीता जी, 43 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर है कि सर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, लेकिन अगर इसी प्रकार से पूछा जाता कि तुम चंदन हम पानी ये निबंध किसका है, तो आप क्या लगाते, ये निबंध किसका है, तुम चंदन हम पानी ये निबंध किसका है, तो आप लोग क्या उत्तर लगाते बता दो जरा। गणेश जी, कुमकुम, हेमलता जी, बबीता जी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी ये बताना है कि ये निबंध किसका है, ये पंक्ति तो रैदास की है लेकिन इस नाम से निबंध लिखा था, किसने लिखा था ये आपको बताना है। जब उपमेय में उपमान की संभावना, संभावना प्रकट की जाए तो कौन सा अलंकार होता है। सौरभ वर्मा जी ने बताया बहुत बढ़िया कि सर तुम चंदन बन जाओ और हम पानी बन जाते, कहां पर, विद्या निवास, विद्या निवास मिश्र का निबंध है दोस्तों, तुम चंदन हम पानी, वेरी गुड। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो कौन सा अलंकार होता है, 44 नंबर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो कौन सा अलंकार होता है, राइट आंसर 44 नंबर का क्वेश्चन है, 44 में सभी लोग आंसर बता रहे कि सर वहां पर होता है कौन सा, कौन सा होता, उत्प्रेक्षा, बहुत बढ़िया, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, संभावना प्रकट की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, डी नंबर, ठीक है। निबंध गद्य की कसौटी है, ये विचार किसका है, निबंध गद्य की कसौटी है। अनीता सालनी जी, रोहिणी जी, है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने कि नहीं किया है बताइए। दीपक पवार जी, निबंध गद्य की कसौटी है, ये विचार किसका है। दीक्षा जी, राजीव जी बताइए, संध्या जी, हरिश्चंद्र जी, रुद्र जिगर जी, 45 नंबर का शानदार क्वेश्चन और राइट आंसर है कि निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, यानी कि आपका जो सी नंबर है ये सी नंबर बिल्कुल सही होगा। गद्य की कसौटी, कसौटी अपन को याद कर लेना है,
हिंदी का माउंटेन किसे कहा जाता है, हिंदी का माउंटेन बताना है, जल्दी से बताइए। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड किया आप लोगों ने कि नहीं किया? सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों, ठीक है। सभी साथी ऐप डाउनलोड करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। जिनको एडमिशन लेना अभी 1200 में 12 महीने का ऑफर है ना, नवरात्रि ऑफर है, जिनको लेना अभी ले सकते हो दोस्तों, अध्ययन कर सकते हो। हिंदी का माउंटेन किसे कहा जाता है, एक अच्छा क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का उत्तर है कि सर वो कहा जाता है बाल कृष्ण भट्ट है, क्योंकि बाल का क्या करना पड़ता है, बाल का मेंटेन माउंटेन करना पड़ता है, मेंटेन बाल कृष्ण भट्ट। डी नंबर, निम्न में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है, 47 में बताओ, महादेवी वर्मा की बताना है। सतीश जी, बिंदु जी, कौन सी, आनंद जी, कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है, 47 नंबर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया और सभी का आंसर जा रहा कि सर महादेवी वर्मा जो कि 1907 में जन्म हुआ था, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला था, है ना, किसकी, महादेवी की रचना यामा के लिए, ठीक है, यामा का रचना काल आप लोग बता देना, बाकी ये सांद गीत की रचना है किसकी, महादेवी वर्मा की। बी नंबर आपका सही है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, सरहपा को, पुष्या पुंड को, भारतेंदु या फिर श्रीधर पाठक को। रेखा जी, अनीता जी बताइए, कल्पना जी, प्रमोद जी, मोहित जी, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हेमंत जी, 48 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी खड़ी बोली आधुनिक काल में, सॉरी यहां पर आधुनिक काल में होना था, आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में आपको पता है कि सर आधुनिक काल में कहा जाता है श्रीधर पाठक को, श्रीधर पाठक को। और वैसे अगर कहा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि तो कौन माना जाता है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रथम कवि है, और आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते कौन, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, ठीक है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, 49 में बताना है। सुजीत जी, ऋतु जी, ममता जी, चयन करिए जल्दी से। राजीव जी, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, उस्मान या फिर केशवदास। तिरकी गुरु यूट्यूब चैनल को आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, तिरकी गुरु यूट्यूब चैनल है ना, वहां पर भी क्लास स्टार्ट होने वाली, लाइव क्लास है। तिरकी गुरु सुमित जैन यूट्यूब चैनल को आप सर्च कर लेना दोस्तों, यूट्यूब में जाकर के तिरकी गुरु सुमित जैन यूट्यूब चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, 49 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर वो है तुलसीदास, बी नंबर सही आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची, 50 नंबर का आंसर है, हंस का पर्यायवाची बताना है कौन सा है, ये तो लगभग सभी लोग बताएंगे, सभी को पता भी है। ऋतु जी, कांति, अनीता, कमला कांत जी बताइए, चयन करिए। रमा शर्मा जी, दीपा रानी जी बताइए, रीमा कुमारी, कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है, तो हंस का पर्यायवाची माना जाता है कौन सा, मराल, मराल माना जाता है, मराल, सी नंबर, सी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती के रचनाकार कौन है, मधुमालती 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसका रचना काल भी बता दो सभी लोग, मधुमालती का रचना काल भी बताइए। लवली जी बताओ, संतोष जी, मधुमालती का रचना काल क्या है, मंजन, कुतुबन, जायसी या फिर मुल्ला दाऊद, रचनाकार और रचनाकाल दोनों चीजें बतानी है और लाइक करना है दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है तिरकी गुरु सुमित जैन, ठीक है, इससे वाले चैनल को दोस्तों है ना सब्सक्राइब कर लेना। मधुमालती आपको पता है, मधुमालती मंजन की कृति है, रचनाकाल क्या है, 1545, बहुत बढ़िया, 1545 की रचना है, 1545 है ना, बोले सर 15 से लेके 45 मिनट लगते हैं मंजन में, मंजन में कितने, 15 से लेके 45 मिनट लगते हैं, किसको, किसको लगते हैं, बोले सर शांति वर्मा को, नहीं नहीं प्रमोद सैनी को, किसको लगते हैं, 15 से 45 मिनट लगते हैं मंजन में, तो 1545 की रचना है मंजन की, कौन सी, मधुमालती, ठीक है। सभी साथियों को धन्यवाद और दोस्तों
लाइक जरूर करना, शेयर करना, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और यहां पर अपन को देखना है ये दोस्तों टीजीटी पीजीटी टीजीटी पीजीटी, इसको अपन को याद करना। उसके बाद यहां पर 3000 एमसीक्यू की जो टेस्ट सीरीज है, जिनको भी मंगवाना है 599 में अपने घर पर पोस्ट चार्ज सहित मंगवा सकते हैं, ठीक है। और एक गद्य और पद्य साहित्य के जिनको नोट्स मंगवाना है दोस्तों, विस्तृत प्लस टिर्की क्रमबद्ध इस प्रकार से, जिनको मंगवाना मात्र 1600 रुपए में मंगवा सकते हैं। जिनको एडमिशन लेना है वो अभी ऑफर है 1200 में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, अध्ययन करें, लाइक शेयर करें, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जय हिंद।